Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार भारतीय राजनीति से संबंधित चर्चा के श्रृंखला में हमने अभी तक बहुत सारे विषयों के बारे में बातचीत की है पिछले कुछ एपिसोड्स में हम भारत में कुछ प्रमुख आंदोलनों की बात करते रहे हैं जो कि अलग अलग समूहों से संबंधित हैं हमने ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की बात की हमने किसान आंदोलन की बात की और उसके पहले हमने सामाजिक आंदोलनों के बारे में भी एक समझ बनाने की कोशिश की थी आज की इस चर्चा में मैं आपसे भारत में महिला आंदोलन के बारे में बातचीत करूंगा और भारत में जो महिलाओं का आंदोलन है वह किस रूप में रहा है और यहाँ पर सीधा सा अर्थ यह नहीं है कि वह आंदोलन लगातार गोलबंदी के माध्यम से धरना और प्रदर्शनों के रूप में सामने आता रहे बल्कि अलग अलग स्तरों पर कैसे महिला संगठनों ने या महिला कार्यकर्ताओं ने अपने अधिकारों के पक्ष में आवाज़ उठाई है अपने लिए अलग अलग तरह की मांगें रखी हैं उन मांगों के पक्ष में समाज के विभिन्न तबकों को झुकाने का या उनसे सहमत करने का प्रयास किया है वो सारी की सारी बातें महिला आंदोलन का भाग बन जाती हैं तो आज की जो हमारी पूरी चर्चा है उसमें हम महिला आंदोलन से जुड़े विविध आयामों के बारे में बातचीत करेंगे अगर मैं आपसे आज की इस चर्चा की की एक रूपरेखा की बात करूं तो उसमें हम कोशिश यह करेंगे कि आज़ादी के पूर्व के समय से जो महिला आंदोलन आरंभ हुआ उसमें जिस तरह की प्रवृत्तियां सामने आईं उससे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और समकालीन समय तक उसको लेकर आएँ तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले महिला आंदोलन की बात करेंगे और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में हम महिला आंदोलन के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे फिर टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट 1974 में जो आया था और 1971 में जिसका गठन हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर 1970 और 1980 के दशक में महिलाओं की सक्रियता इस पर बातचीत होगी महिला आरक्षण के प्रश्न पर और उससे संबंधित जो वाद विवाद हैं उनके विभिन्न पहलुओं की हम समझ बनाने की कोशिश करेंगे समान नागरिक संहिता से संबंधित वाद विवाद पर भी हमारी नज़र होगी उस पर किस तरीके के तर्क आते रहे हैं उन सब बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा दक्षिणपंथी महिला संगठन और जो तथाकथित मुख्य धारा के नारीवादी जिन्हें हम मानते हैं उनकी चिंताओं में विषयों की प्रस्तुति के लहजे में अंतर में हम आ, ब, के बारे में हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो दक्षिणपंथी महिला संगठन हैं वो किस तरीके से आ, या किस अलग तरीके से अपनी बातों को रखती हैं फिर हम दलित नारीवाद के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदुस्तान में नारीवाद की एक प्रमुख धारा के रूप में उभर कर सामने आया है और आखिर में हम महिला आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख मुद्दे जो कि महिला आरक्षण समान नागरिक संहिता इन सब से अलग है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है उन मुद्दों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर हम महिला आंदोलन के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनकी बात करेंगे सो जो सबसे पहली बात हमें याद रखने की आवश्यकता है वह यह है कि भारत में महिला आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है इस आंदोलन ने महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए काम किया है ऐसा करने के लिए इसने स्त्रियों के विरुद्ध प्रावधान करने वाली सामाजिक कुरीतियों की मुखालफत की है और इसने महिलाओं के हकों को सुरक्षित करने सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका बढ़ाने तथा उन्हें विभिन्न अधिकार दिलाने हेतु तो संघर्ष किया है महिला आंदोलन ने पूरे समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख अपनाया है मसलन राष्ट्रीय आंदोलन या आपातकाल के खिलाफ चलने वाले आंदोलनों में भी महिला संगठनों ने साफ दृष्टिकोण अपनाया, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के मुद्दों तक सीमित नहीं रहीं बल्कि उन्होंने उन मुद्दों पर भी अपनी राय रखी जिससे समाज का अलग अलग तबका या संपूर्ण समाज प्रभावित हो रहा था अब अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले महिला आंदोलन पर ध्यान दें तो एक बात तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि महिलाओं की गोलबंदी और उनके अधिकारों की विशिष्ट रूप से बात करना औपनिवेशिक दौर में ही आरंभ हुआ मध्यकाल में हम ग्रंथों के माध्यम से और कुछ व्यक्तित्वों के माध्यम से इस चीज़ की शिनाख्त कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी लेकिन क्या महिलाओं ने खुद को संग, खुद संगठन बनाकर गुलबंद करके अपने अधिकारों को सामने रखा या अपने अधिकारों की मांग की या समाज में अन्य महिलाओं के लिए आ, के लिए अधिकारों की मांग की इसका प्रमाण बहुत नहीं मिलता है तो यह मुख्य रूप से जो ये औपनिवेशिक काल है उसी की यह परिघटना है और यह माना जाता है कि भारत में इसकी शुरुआत 19वीं सदी में सामाजिक सुधार के मुद्दों के संदर्भ में हुई इसमें स्त्री स्वाधीनता पर बल दिया गया और इसके मुद्दे औपनिवेशिक स्थिति से प्रभावित हुए आरंभिक दौर में महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने तथा सती बाल विवाह और पर्दा जैसी कुप्रथाओं को, को दूर करने तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया और ये सभी ऐसे पहलू थे जो कि उस समय के समाज में एक बड़े समस्या के रूप में थे और मुझे ये उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सती का अर्थ क्या है सती का अर्थ है कि जब सती प्रथा का कि जब एक स्त्री की आ, का पति मर जाता था तो उसके पति के शरीर के साथ स्त्री को भी जला दिया जाता था तो ये एक तरीके की हत्या थी आ, निर्दोष महिला की इस कुप्रथा में तो इसका आ, विरोध किया आरंभिक दौर में आ, महिला कार्यकर्ताओं ने भी और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भी बाल विवाह का मतलब होता था बहुत ही कम उम्र में लड़के और लड़कियों का विवाह कर देना और उसके लिए कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं था और फिर पर्दा प्रथा का मतलब था कि हर एक स्थिति में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर पर्दा में रखना और घर के भीतर भी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पर्दा करना तो सबसे पहले इस तरह की कुप्रथाओं पर ध्यान दिया गया विधवा विवाह एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ के रूप में थी जिस जहाँ पर विधवाओं को ता उम्र या पहले तो सती प्रथा थी पर जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा तब विधवाओं को उम्र बिना किसी साथी के जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया जाता था तो धीरे धीरे इन सब चीजों को प्रोत्साहित करने का काम यानी कि सती प्रथा बाल विवाह और पर्दा पर पाबंदी लगाना और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना इस पर महिला कार्यकर्ताओं और महिला आंदोलन ने ध्यान दिया लेकिन ये सभी सुधार पितृसत्तात्मक विचारधारा के भीतर हुए और महिलाओं से यह उम्मीद की गई कि वे निष्क्रिय रूप से इन कदमों को या इन अच्छे कदमों को स्वीकार करें यानी कि जब हम कहते हैं पितृसत्तात्मक विचारधारा के भीतर तो इसका अर्थ यह है कि कुछ सुधार के लिए कदम तो उठाए गए लेकिन यह नहीं कहा गया कि ये जो पितृसत्ता के जो दूसरे आयाम हैं उनके साथ छड़खानी हो तो कुछ चीज़ों पे पुरुषों ने लगातार प्रयास करके एक माहौल बनाया महिलाओं ने भी उसमें भूमिका अदा की लेकिन जो बुनियादी आधार था पितृसत्ता का जो पुरुष को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देना महिलाओं को घरों तक सीमित रखना उस पर सवाल करने की कोशिश नहीं की गई राष्ट्रवादी आंदोलन के दौर में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की और वे जेल भी गई विशेष रूप से अगर हम महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किए गए आंदोलनों के विभिन्न अध्ययनों पर ध्यान दें तो यह बात सामने आती है कि बहुत सारी महिलाएं घरों से बाहर निकली और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया आ, बहुत सारी महिलाएं क्रांतिकारी संगठनों में भी सम्मिलित हुई और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया लेकिन आ, जो यह पूरा दौर था स्वतंत्रता आंदोलन का दौर उसमें घरेलू क्षेत्र यानी परिवार के क्षेत्र की महिमा का भी बखान किया गया और उसमें महिलाओं की भूमिका को सर्वप्रमुख माना गया घर घरेलू क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से थोड़ा कमतर लेकिन इसका अनुपूरक माना गया राष्ट्रवादी आंदोलन की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें नारित्व के गुणों को भारत के आध्यात्मिक जीवन का तत्व मानते हुए महिलाओं की भागीदारी के रास्ते को तैयार किया गया विशेष रूप से महात्मा गांधी ने लगातार नारित्व के गुणों पर जोर दिया और बाद में बहुत सारे जो राजनीतिक सिद्धांतकार या मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान हैं उन्होंने रेखांकित भी किया कि जो गांधी का अहिंसा का पूरा सिद्धांत था वो एक तरीके से जो नारीगत गुण माने जाते हैं उनको अपनाने की तरह था तो ये सारी चीज़ें थीं जहां पर हम एक परिघटना देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ रही थी लेकिन आदर्श माना जा रहा था कि वो घर के काम को भी संभालें या घर का जो उच्चतर काम है उस माहौल में रहें और पार्थ चटर्जी ने इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है चटर्जी का यह मानना है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें घरेलू क्षेत्र को सांस्कृतिक आध्यात्मिक का भाग बनाकर इस दायरे में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया इससे महिलाओं से जुड़े कई मसले विचार के दायरे में नहीं आ पाए इसका क्या मतलब है चटर्जी ये कहते हैं कि एक इनर डोमेन और आउटर डोमेन का जो पूरा एक आइडिया है वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान काम कर रहा था और उस इनर डोमेन में जो परिवार या कल्चर से जुड़े मसले थे उनको रखा गया आउटर डोमेन में अधिकारों की बात रखी गई राजनीतिक स्वाधीनता की बात रखी गई जो बहुत गलत तरीके के कानून थे उनके विरोध की बात रखी गई और यह कहा गया कि जो आउटर डोमेन है वो उस पर कोई दखल अंदाजी हो सकती है उस पर संवाद हो सकता है पर जो इनर डोमेन है जो फैमिली का डोमेन है जो कुछ कल्चरल वैल्यूज़ का डोमेन है उसमें कोई दखलअंदाजी नहीं हो सकती है परिवार के भीतर की जो एक पूरी संस्कृति है जो परंपरा है जो रहन सहन का ढंग है उस पर तो ये एक तरीके से इसने जो परिवार का दायरा था सकारात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि इसने परिवार के दायरे में अंग्रेज़ों की दखलंदाजी को रोका और अगर हम और ज़्यादा गहराई में जाकर देखें तो हम यह भी कह सकती हैं कि जो परिवार के भीतर जो बहुत तरह की विषमताएं थीं बहुत तरह के जो अन्याय के पहलू थे उस पर भी जो एक हस्तक्षेप हो सकता था वो रुक गया तो एक तरीके से ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि पार्थ चटर्जी के लेखन से प्राप्त होता है इस तरह जो एक राष्ट्रवादी विमर्श बना उसमें एक तरफ महिलाओं को आगे बढ़ाया गया और दूसरी तरफ इनके कई सारे मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से खामोशी रखी गई महिला संगठनों ने इस दौर में समान नागरिक संहिता मताधिकार और दलों के भीतर महिलाओं को पर्याप्त स्थान देने जैसे मसलों को उठाया इस दौर में दो प्रमुख महिला संगठन थे नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया एन सी में इसकी स्थापना हुई थी और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ए आई डब्ल्यू सी नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में इसकी स्थापना हुई थी अब ये जो दोनों ही संगठन थे उसके बारे में हमें साफ़ तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि इसमें वही महिलाएं सम्मिलित थीं जो पढ़ी लिखी थीं जो आ, जो कि अपने परिवार के स्तर पर आ, इस तरह मजबूत थीं कि उनके परिवार को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि वो घर के दायरे से बाहर निकलें और शिक्षा ग्रहण तो करें ही पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सक्रिय रूप से संगठन का काम करे राजनीति का काम करें तो ये एक जो ये दो संगठन थे इन्होंने कई मामलों पर अपना काम किया गुलबंदी करने की कोशिश की इनके प्रयासों से सोलह सौ में शारदा एक्ट पारित हुआ जिसमें लड़कियों के विवाह की, की न्यूनतम उम्र 14 और लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष तय की गई इन्होंने समान नागरिक संहिता की मांग पर जोर दिया और हिंदू कोड बिल के लिए पृष्ठभूमि बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही आगे समान नागरिक संहिता के बारे में हम बातचीत करेंगे आ, लेकिन अगर बहुत ही संक्षेप में यहाँ चूंकि ये यह शब्द आए हैं तो मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ हिंदू कोड बिल जो है वो पचास के दशक में संसद के द्वारा पारित किया गया यह बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बिल के मसले पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल आए जिसमें कि महिलाओं को कई अधिकार देने का प्रावधान था जो धर्म के कई ऐसे पहलू जिसका सहारा लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था उसको हटाने और उसको एक रूप में परिभाषित करने की बात थी तो चूँकि रूढ़िवादी शक्तियों ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय इस्तीफा दे दिया था तो ये इसकी भी एक पृष्ठभूमि बनाने का काम इन महिला संगठनों ने भी किया क्योंकि वो लगातार इसकी मांग कर रही थी कि जो अलग अलग तरीके से धार्मिक प्रथाओं की या विवाह से जुड़े नियमों की या अन्य पहलुओं की जो स्त्रियों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे उनकी व्याख्या कर दी जाती है तो वो खत्म करने की ज़रूरत है और एक हिंदू कोड बिल जैसी चीज़ आनी चाहिए दूसरा जो समान नागरिक संहिता का मसला है वह यह है कि जो एक नागरिक के निजी जीवन से जुड़े मसले होते हैं विवाह का मसला हो गया संपत्ति का मसला हो गया इसमें भी एक तरीके के कानून को लागू किया जाए आपको यह या याद रखने की ज़रूरत है कि जो आपराधिक मामले हैं उसमें औपनिवेशिक दौर से ही एक समान कानून लागू कर दिया गया था इसका मतलब यह है कि एक तरीके के अपराध के लिए हर व्यक्ति को एक जैसी सज़ा मिलेगी चाहे उसकी आर्थिक स्थिति चाहे उसकी धार्मिक स्थिति कुछ भी हो लेकिन जो सिविल कोड था वो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग रखा गया क्योंकि यह माना गया औपनिवेशिक दौर में भी कि अलग अलग धर्मों की अपने रहन सहन हैं अपनी प्रथाएं हैं अपनी परंपराएं हैं अपनी वरीयताएँ हैं और अगर राज्य द्वारा इसमें दखल अंदाजी की जाएगी तो ये एक अलग तरह की समस्या या विद्रोह को जन्म देगा हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी इस तरीके के मुद्दे उठते रहे और नारीवादी संगठनों ने भी महिला संगठनों ने भी उठाए क्योंकि उनका यह कहना था कि हर एक धर्म में जो उनका एक पर्सनल लॉज होता है धर्म का उसमें महिलाओं की स्थिति बुरी है चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे वो क्रिस्टैनिटी हो चाहे कोई और धर्म हो तो जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा कॉमन सिविल कोड या बने जिसमें कि कुछ ऐसे बिंदुओं को लाया जाए जिससे महिलाओं की स्थिति मजबूत हो और सभी धर्मों पर वो समान रूप से लागू हो लेकिन अलग अलग कारणों से इसका विरोध चलता रहा हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम इस बात को याद रखें कि औपनिवेशिक दौर में भी जब महिला आंदोलन बहुत ही आरंभिक अवस्था में था उस समय भी महिला संगठनों ने समान नागरिक संहिता की बात की थी आगे हम इससे जुड़े हुए विवाद विवाद को ज्यादा विस्तार से देखेंगे सो ये भी एक जो दूसरी बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोचक है कि जो महिला संगठन थे उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया कि महिलाओं को विधान मंडलों में आरक्षण मिले तर्क यह था कि महिलाएं खुद अपने आप को इतना सशक्त बनाएंगी कि वो पुरुषों के बराबर आकर और जो प्रतिनिधि निकाय हैं उनमें भागीदारी करेंगी कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से आरक्षण की मांग का समर्थन किया था इससे जुड़े हुए पहलू को हम आगे और विस्तार से देखेंगे और ये यह भी याद रखने की जरूरत है जैसे मैंने पहले इससे और इशारा किया था कि महिला संगठन तो एक तरफ थी ही कुछ महिला संगठ कार्यकर्ताओं ने या बहुत सारे महिला कार्यकर्ता यह कहना चाहिए उन्होंने जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें भाग लिया था और वहाँ भी उन्होंने जो उनके आंतरिक वाद विवाद होते थे उसमें उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को मजबूती से स्थापित करने की वकालत की थी इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर का जो एक आंदोलन चल रहा था जिसमें कि वो लगातार जो अस्पृश्य माने जाने वाले जाति समूह थे उनको संगठित करने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का प्रयास कर रहे थे उसमें उन्होंने लगातार अपनी जाति विरोधी मुहिम के साथ महिलाओं को जोड़ा और उसमें बहुत बड़े स्तर पर इस बात को लेकर अब चर्चा होती है क्योंकि ये जो पूरी मुहिम थी वो राष्ट्रवादी आंदोलन की मुहिम से अलग चल रही थी जिसमें कि महिलाओं को शिक्षित करना उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना ये सारे पहलू जो है वो अंबेडकर की धारा में साथ साथ चल रहे थे या राष्ट्रवादी आंदोलन के समानांतर चल रहे थे उसी तरीके से जब मैं किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहा था तो मैंने तिभागा और तेलंगाना आंदोलन का जिक्र किया था तो इन आंदोलनों में भी महिलाओं की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही खासतौर पे तेलंगाना आंदोलन में महिला जो गुरिला लड़ाकों थी वो पुरुषों से कंधा से के कंधे से कंधा मिलाकर जो निज़ाम के आताताई सेना के लोग थे उनके साथ उन्होंने मुकाबला किया तो अलग अलग तरीके से महिलाओं की भूमिका रही और महिला संगठनों ने कुछ खास मांगों को आगे बढ़ाया पर अलग अलग स्थानों पर महिला महिलाओं की जो उपस्थिति थी उसने भिन्न भिन्न तरीके से मुद्दों पर जोर दिया या भिन्न भिन्न तरीके से संघर्ष किया तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उसके बाद जो महिला प्रश्न था वह नए रूप में सामने आया सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए लेकिन उन्होंने सार्वजनिक संस्थानों और समाज में मौजूद संरचनात्मक विषमताओं और सेक्सुअल पदसुपान को खत्म नहीं किया और इससे महिलाओं के असंतोष में वृद्धि हुई और ये जो एक स्थिति थी यहाँ हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हालांकि कल्याणकारी कार्यक्रम यानी कि महिलाओं के लिए स्कूल बनाना महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करना गर्भवती स्त्रियों की सुरक्षा के लिए के लिए व्यवस्था करना ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लेकिन उसके साथ ही यह जरूरी है कि समाज में जो एक पितृसत्तात्मक सोच है उसको भी चोट पहुँचे मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि इन सब स्थितियों के साथ जो वास्तविक रूप में संपत्ति है वह भी महिलाओं के हाथों में आए इसका प्रावधान होना भी ज़रूरी होता है विवाह के मामले में या पुत्र या पुत्री पैदा करने के मामले में महिलाओं के अपने विचारों को तरजीह दी जाए कि वो अगर ऐसा नहीं करना चाहती हैं तो जो गर्भ निरोधक या उसके बारे में फैसला लेने की जो शक्ति है वो महिलाओं को मिले जो कि पितृसत्तात्मक समाजों में अमूमन नहीं मिल पाती थी और अभी भी उस पर एक संकट का बादल छाया रहता है या फिर जो एक महिलाओं को नियंत्रित अवस्था में रखना और उनके लिए पहले से बनी बनाई व्यवस्था एक पुत्री के रूप में या एक पुत्रवधु के रूप में जो बनी हुई है उसको कमजोर करना या उसको तोड़ना ये सभी पितृसत्तात्मक जकड़न को तोड़ने से संबंधित हैं। धर्म के द्वारा या धार्मिक परंपराओं के द्वारा भी महिलाओं के को दबाने के लिए जो अलग अलग तरीके के मानकों का इस्तेमाल किया जाता है उनको लगातार चुनौती देना भी बहुत जरूरी होता है तो जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं वो उसकी दिशा में कदम है क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वो इन सब चीज़ों पे सवाल करना शुरू करती हैं लेकिन सीधे तौर पर सरकार के द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम नहीं बनाए गए पचास और साठ के दशक में और हिंदू कोड बिल को अगर छोड़ दिया जाए तो सरकार ने और कोई बहुत मजबूत कदम नहीं उठाया तो इससे महिलाओं के असंतोष में वृद्धि हुई और कई बार यह भी माना जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के शुरुआती एक दो दशकों में महिला संगठनों का काम धीमा पड़ गया था किंतु उन्नीस में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन इन इंडिया एन का गठन हुआ जो सी की महिला शाखा थी अरुणा आसफ अली भी इससे जुड़ी हुई थी और इस संगठन ने कई प्रमुख मुद्दे उठाए अब ये जो बीच की जो स्थिति है उसमें महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि होती रही पर कई सारे मुद्दों पर उतनी गंभीरता से बात नहीं हुई जितनी गंभीरता से बात होनी चाहिए थी लेकिन इसमें टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट जो आया उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही उसने एक तरीके से जो शिक्षित महिलाएं थीं जो शिक्षा हासिल कर चुकी थीं और शिक्षित पुरुष भी थे और मीडिया इन सब के बीच में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक बड़ी ही मज़बूत स्तर की बातचीत शुरू की एक बहुत गंभीर बातचीत होनी शुरू हो गई कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया सी एस का गठन 1971 में किया गया इसका काम भारत में विकास और राष्ट्र निर्माण में के महिलाओं पर प्रभाव का अध्ययन करना था कि अभी तक जो विकास हो रहा है या राष्ट्र निर्माण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है इस समिति ने टुवर्ड्स इक्वालिटी शीर्षक से उन्नीस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इसमें इसने विस्तृत आंकड़ों के विश्लेषण से यह दिखाया कि कैसे आज़ादी के बाद महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में लगातार गिरावट आई है इस संदर्भ में इसने हाशिए के समूहों में महिलाओं की बुरी स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया उसको रेखांकित किया सबसे पहले इसी रिपोर्ट में लड़कियों की कम होती संख्या के तथ्य को रेखांकित किया गया इस रिपोर्ट ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की दुर्दशा के तथ्य को भी रेखांकित किया यह माना जाता है कि बाद के समय में महिला संगठनों का एजेंडा काफ़ी हद तक इस रिपोर्ट से तय हुआ और उसके बाद जब महिला संगठन जो उभर कर सामने आए और जिस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया उस पर इन अलग अलग मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाने लगा यानी कि इस लड़कियों की जो संख्या कम हो रही है भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है यौन उत्पीड़न का मसला या सार्वजनिक स्थलों पर या सार्वजनिक नौकरियों में महिलाओं की उपस्थिति कम होना इस तरीके की कई मसलों पर बातचीत होने लगी और 1970 और 1980 के दशक में महिलाओं की सक्रियता लगातार बढ़ी 1970 के दशक में और उसके बाद आ, महिलाओं की भूमिका बढ़ी उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध चले आंदोलन में भाग लिया इसके अलावा जमीनी स्तर पर चलने वाले कई आंदोलनों में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ी इस संदर्भ में विशेष रूप से चिपको आंदोलन का उल्लेख किया जा सकता है आपातकाल के बाद नागरिक और लोकतांत्रिक मानवाधिकार आंदोलनों की संख्या बढ़ी और महिलाओं ने इनमें भागीदारी की चिपको आंदोलन के अलावे अगर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन का उल्लेख करें और भी कई छोटे छोटे जमीनी स्तर पर चलने वाले आंदोलनों का तो उसमें हम देखेंगे कि जो वंचित समुदायों की महिलाएं थी उनकी भागीदारी में लगातार वृद्धि हुई उन्होंने जीविका के सवाल उठाए ऐसे सवाल उठाए जिन्हें सीधे तौर पर स्त्रियों के प्रश्न नहीं माने जा सकते हैं पर निश्चित रूप से वो स्त्रियों के भी प्रश्न होते हैं यानी कि अगर जीविका का प्रश्न होता है तो वो स्त्रियों का प्रश्न भी है अगर पर्यावरण अच्छी तरीके से बचे प्रश्न सामने आता है तो वह भी स्त्रियों का प्रश्न है अगर विस्थापन ना हो यह प्रश्न आता है तो इसे भी स्त्रियों का प्रश्न माना जाना चाहिए और जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहले की चर्चा में कि गेल ऑमविट इस बारे में एक सूत्र देती हैं कि कोई भी आंदोलन अपने आप में एक अकेला पृथक सा आंदोलन नहीं होता है बल्कि उसमें आ, दूसरे तरह के तत्व भी सम्मिलित होते हैं उसी तरीके से जैसे मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्यावरण आंदोलन में स्त्रियों का तत्व शामिल है उसी तरीके से स्त्रियों के आंदोलन में पर्यावरण का तत्व शामिल है तो ये एक संघर्ष का दायरा शुरू हुआ 1970 और 80 के दशक में पर्यावरण को लेकर स्त्री अधिकारों को लेकर और इसमें भी दोनों में ही महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रही और इसके अलावा आपातकाल के बाद नागरिक और लोकतांत्रिक मानवाधिकार आंदोलनों की संख्या बढ़ी और इसमें बहुत सारी महिलाओं ने भागीदारी की बहुत सारी महिलाएं जो शहरों में रहती थी छोटे शहरों में या बड़े शहरों में उन्होंने इन मुद्दों पर काम करना शुरू किया आपातकाल के बाद के दौर में महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष के लिए दो तरह की संगठनात्मक रणनीतियाँ सामने आईं पहली रणनीति में महिलाओं के संघर्ष को अन्य समूहों मजदूर आदिवासी आदि के संघर्ष से जुड़ा हुआ माना गया और दूसरी रणनीति में महिलाओं के लिए स्वायत्त संगठन बनाने पर बल दिया गया इसका लक्ष्य विशेष रूप से महिलाओं के दमन और शोषण से जुड़े मुद्दे पर काम करना था इन्हें स्वायत्त महिला आंदोलन के रूप में जाना गया स्वायत्त महिला संगठनों में मानुषी सहेली जागोरी आदि का नाम लिया जा सकता है और इन्होंने मुख्य रूप से शिक्षित मध्यवर्गीय महिलाओं को अपने साथ जोड़ा मध्यवर्गीय शिक्षित महिलाओं ने इनके काम को आगे बढ़ाया और इनके द्वारा विशेष रूप से महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर दस्तावेज तैयार किए गए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई यह अपने आप में एक ऐसा काम लग सकता है जो कि शहरी क्षेत्रों तक सीमित माना जाए लेकिन शहरों में भी कई वर्गों की महिलाएं होती हैं और अगर आ, मिसाल के तौर पर घरों में चौका बर्तन का काम करने वाली किसी महिला को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है और इस तरीके के स्वायत्त महिला संगठनों के बारे द्वारा वैसी महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तो यह एक बहुत ही सकारात्मक काम माना जा सकता है इसके अलावा समय बीतने के साथ ऐसे संगठनों ने आ, अपने काम का प्रसार किया मिसाल के तौर पर बहुत सारी जो स्वायत्त महिला संगठन थी वो आदिवासी इलाकों में अपने काम को लेकर गईं वहाँ पर स्त्रियों की मजबूती के लिए उन्होंने काम किया या दलित बस्तियों में उनके काम का विस्तार हुआ और ये जो काम का एक पहलू था महिलाओं को शिक्षित बनाना महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जो एग्जिस्टिंग राइट्स हैं जो कानून के द्वारा उनको दिए गए हैं उसके बारे में उनको बताना अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो उससे कैसे निपट सकती हैं उसके बारे में मार्गदर्शन करना ये एक सारा जो एक आयाम सामने आता है वह महिला आंदोलन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आयाम साबित हुआ और अभी भी इस आयाम की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है महिलाओं को कई तरीके के अत्याचारों से बाहर निकालने में उन्हें कानून का ज्ञान देकर एक जागरूक नागरिक बनाने में और साथ ही उनके भीतर यह भावना भरने में कि उन्हें अपने जैसे दूसरी स्त्रियों की मदद करनी चाहिए तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में हुआ और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अस्सी के दशक में रुक गया इस तरह का काम ऐसे संगठनों के द्वारा काम अभी भी किया जा रहा है और मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के काम की जो पहुँच है वो देश के अन्य भागों में भी बढ़ी है और ऐसे भागों में भी ये काम पहुंचा है जहां पर आ, कम शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं रहती हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है अब हम आ, महिला आरक्षण के प्रश्न पर बातचीत करेंगे महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा विधायिका में उनको आरक्षण देने का मुद्दा अभी भी विवादास्पद बना हुआ है हालांकि पंचायती राज संस्थाओं में उनको आरक्षण दिया गया है जिसके बारे में मैं आगे थोड़े विस्तार से बातचीत करूंगा। लेकिन अगर हम भारत में महिलाओं को जो प्रतिनिधि निकाय हैं विधानसभा और संसद उसमें अगर आरक्षण देने की देने के मसले की बात करें तो यह बात सामने आती है कि असल में यह मांग वैसे तो काफ़ी पहले से उठता रहा है लेकिन औपचारिक रूप से यह तकरीबन 80 के दशक के आसपास ज़्यादा जोर शोर से उठने लगा मैंने आपको पहले बताया कि जब ऑप्लिमेस्टिक दौर था तो महिला संगठनों ने औपचारिक रूप से इस मांग का समर्थन नहीं किया वो यह मानती थी कि महिलाएं खुद को सशक्त बनाएंगी और वो राजनीति के दायरे में आएंगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी लेकिन कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने ज़रूर यह कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है पहले मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया का गठन हुआ था 1971 में और इसने आ, महिलाओं को विधायी संस्थाओं में आ, औरतों के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया था हालांकि इसका मतलब यह है कि इसके सामने यह विचार आया कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण का की व्यवस्था की जाए आ, लेकिन आ, आ, इसको खारिज कर दिया गया बहुमत से हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट टूवर्ड्स इक्वालिटी से जानकारी भी आ, मिल रही थी कि स्त्री विधिकर्ता की संख्या घटती जा रही थी आ, जा रही है और राजनीतिक पार्टियां औरतों को टिकट देने से हिचकती हैं स्त्रियों के को आरक्षण देने का प्रश्न 1988 में फिर से उभरा जब महिलाओं के लिए बनाई गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने लैंगिक आधार पर तीस आरक्षण का सुझाव दिया और फिर जून उन्नीस में एस डी देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासन के मुताबिक संसद और विधानसभाओं में जेंडर के आधार पर 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाला इक्सीवा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया सरकार के घटक दलों में इस सवाल पर एकता नहीं थी और इसके कारण इसे संयुक्त प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया उन्नीस में फिर यही विधेयक चौरासी में संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया फिर 1999 में इसका एक और संस्करण पचासीवें संशोधन विधेयक के रूप में रखा गया लेकिन विभिन्न बाधाओं के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका फिलहाल स्थिति यह है कि संविधान में 108वां संशोधन प्रस्तावित करने वाला महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा द्वारा 9 मार्च 2010 को पारित कर दिया गया है लोकसभा के अनुमोदन के बाद पूर्ण कानून का दर्जा प्राप्त करने के बाद इसे राज्य विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता पड़ेगी अब हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो हम लोगों ने एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की बात की कि कैसे घटनाक्रम हुए तो उसमें जो प्रमुख मुद्दा है कि आखिर क्यों पुरुष राजनीतिज्ञों के द्वारा महिला आरक्षण का विरोध किया जाता है तो उसका एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि पुरुष राजनेताओं को यह लगता है कि इससे राजनीति पर से उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और राजनीति पर से उनका वर्चस्व खत्म होने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति एक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और अगर अगले संसदीय चुनावों में वह संसदीय क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा तो निश्चित रूप से उस राजनेता की चुनाव लड़ने की आकांक्षा पर पानी फिर जाएगा और हम यह भी कह सकते हैं कि यह उसके राजनीतिक जीवन के लिए बड़ा घातक कदम साबित हो सकता है इसके विकल्प के रूप में कई राजनेता अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाते हैं लेकिन राजनेताओं को हमेशा ही यह डर रहेगा पुरुष राजनेताओं को कि जो यह फॉर्मूला है वह उनकी पार्टी हमेशा स्वीकार नहीं करेगी तो उनके भीतर यह भावना रही है कि जितनी ज़्यादा समय तक हो सके उतने समय तक महिला आरक्षण विधेयक को टालते रहो या उसको खारिज करते रहो मुलायम सिंह यादव ने एक बार यह कहा भी था कि 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार बहुत अच्छा नहीं है 10 से 15 प्रतिशत तक का आरक्षण पर्याप्त तो हो सकता है या उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में आ, यह बात कही थी पर उनकी यह बात एक तरीके से बहुत सारे पुरुष सांसदों की चिंताओं को ही रेखांकित करती है कि एकदम से अगर 33 प्रतिशत सीटों को आरक्षित कर दिया गया तो यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा होगा यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कंचन चंद्रा ने ए भारत में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के संदर्भ में किताब लिखी है और उन्होंने यह बताया है कि जो महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं उनमें से बहुत सारी महिलाएं इसलिए राजनीति में आ पाई हैं क्योंकि उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य चलना चाहिए कि जो महिलाएं राजनीति में अभी सक्रिय हैं उनमें से भी बहुत सारी महिलाएं स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने नहीं आ पाई हैं तो असल में यह आरक्षण के महिला आरक्षण के पक्ष में एक मजबूत तर्क के रूप में सामने आता है कि अगर आम महिलाओं को जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है जो आम परिवारों से आती हैं, उन्हें अगर राजनीति में लाना है उन्हें अगर संसद में लाना है तो आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है दूसरा लोगों के विरोध करने का कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह यह है कि जो वंचित वर्ग के संगठन हैं उनके द्वारा महिला आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अलग कोटा बनाने की मांग की जाती रही है कुछ नेताओं ने ओबीसी महिलाओं के लिए भी ऐसा करने की मांग की है और अभी उनका मुख्य तर्क यह है कि जिस तरीके से उच्च जातियों का पहले वर्चस्व रहा है असल में उच्च जातियाँ यह प्रयास कर रही हैं कि उच्च जातियों के पुरुषों के स्थान पर अब उच्च जातियों के महिलाओं का वर्चस्व हो जाए और जो भी सीटें आरक्षित होंगी अगर उसमें वंचित तबकों के लिए आरक्षण की अलग से कोटा की व्यवस्था नहीं होगी तो उन सभी सूटों पर जो महिलाएं हैं वो उच्च जातियों की होंगी तो इस तरह की मांग को शरद यादव ने और उनकी उनके जैसे अन्य नेताओं ने आगे बढ़ाया और उनका यह कहना है कि जो महिला आरक्षण है उस पर जब तक से सब कोटा या उप कोटा नहीं होगा तब तक उसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। निवेता मेनन जैसे कई नारीवादी मानती हैं कि वंचित समूहों के संगठनों या वंचित समूहों के नेताओं की मांगे जायज हैं और अगर इस तरीके का एक सब कोटा कर दिया जाता है तो वह सभी समूहों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा हालांकि बहुत तरह बहुत सारी लेखिकाएं यह भी कहती हैं कि यह असल में महिला आरक्षण के विधेयक को लटकाने की तरह है क्योंकि इस तरीके से आरक्षण देने के लिए अलग से संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है यह मह ये मुद्दों की पेचीदगी को और बढ़ाने का एक बहाना मात्र भी हो सकता है क्योंकि फिर उस सब कोटा में भी कई और कोटा बनाने की मांग हो सकती है तो ये एक अंतहीन सिलसिला हो सकता है और इससे अच्छा उपाय यह हो सकता है कि खुद जो राजनीतिक दल हैं वो इस तरीके के अनुशासन का पालन करें यानी कि वो जो सीटें वितरित करें महिलाओं को तैतीस प्रतिशत की जाएंगी आरक्षण के बाद उन सीटों में वो ये कर दें कि आ, अलग अलग समूहों की किन महिलाओं को टिकट दिया जाएगा बहरहाल ये एक ऐसा आ, मोड है जहां पर महिला आरक्षण का पूरा विमर्श रुका हुआ है आ, और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव आ, कानून के रूप में पारित नहीं हो पाया है और इसके लिए आ, बहुत ज़्यादा गहरे प्रयास की ज़रूरत है क्योंकि आज के दौर में कोई भी राजनीतिक दल खुलकर इस तरीके के आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध नहीं करता है लेकिन यह भी सच्चाई है कि अधिकांश राजनीतिक दल इसलिए हिचकते हैं क्योंकि उनके पुरुष सदस्यों का एक तो दबाव होता है और दूसरा कि वो एक ऐसे कानून का मॉडल अपने दिमाग में रखे हुए हैं जो कि आ, कई बार असंगत भी लग सकता है बहुत तरह के लोगों को तो ये एक ऐसा विवाद है जिसका निपटाना बहुत मुश्किल नहीं है पर आ, अलग अलग कारणों से आ, इस पर एक सहमति नहीं बन पा रही है और अभी भी महिला आरक्षण का मुद्दा आ, अपने मूर्त रूप में सामने नहीं आ पाया है लेकिन एक अलग स्तर पर महिला आरक्षण का मुद्दा जरूर मूर्त रूप में सामने आया है और यह है पंचायती राज के स्तर पर या नगर पालिकाओं के स्तर पर संविधान का सॉरी तिहत्तरवा संशोधन उन्नीस सौ में हुआ और उसके तहत जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया इसके बाद हुए चौहत्तरवें संशोधन के तहत आरक्षण की यही व्यवस्थाएं शहरी निकायों में भी की गई इस आरक्षण की व्यवस्था ने यह दिखाया कि इससे बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति में सक्रिय हुई और इसमें भी कई तरह की चीज़ें आई सामने कई अध्ययनों से जैसे यह कहा गया कि अधिकांश स्थानों पर एक पंच मुखिया पति जैसे शब्दावली प्रचलित हो गई और जो पुरुष दबंग सदस्य होते हैं वो असल में डमी कैंडिडेट के रूप में अपनी महिलाओं को खड़ा करते हैं और जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वह नाम मात्र का है लेकिन कुछ अन्य अध्ययनों ने यह दिखाया कि एक महिला जब पहली बार मुखिया बनती है तो वो अपने परिवार के पुरुष सदस्यों या अपने पति पर ज़्यादा निर्भर होती है पर धीरे धीरे जब उसे राजनीतिक अनुभव प्राप्त होता है तो वह या तो स्वायत्त रूप से या समान रूप से उन सारी गतिविधियों में भागीदारी करने लगती है तो ये जो परिवर्तन है जो शुरुआती स्तर पर थोड़ा अनचाह किस्म का या थोड़ा मजाकिया किस्म का या फिर चीज़ों को गलत दिशा में ले जाने वाला लग लग सकता है वह धीरे धीरे और गहरे स्तर पर ले जाकर बदलाव करता है यह बात स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण से साबित होती है उसका जो पूरा अनुभव है उससे यह बात सामने आती है और यह आ, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में एक और मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है बहरहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम समान नागरिक संहिता से संबंधित वाद विवाद के बारे में आ, एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रावधान का प्रयास करेगा लेकिन हम सब जानते हैं कि जो अनुच्छेद 44 है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है और अनुच्छेद सैंतीस में यह परिभाषित किया गया है कि जो राज्य के नीति निदेशक संबंधी प्रावधान हैं उन्हें परिवर्तित प्रवर्तित करने के लिए यानी कि उन्हें लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है लेकिन इसमें निहित सिद्धांत जो होते हैं वो शासन व्यवस्था के लिए मौलिक प्रवृत्ति होंगे उसके लिए एक मार्ग निर्देशिका की तरह होंगे तो जो ये पूरा प्रावधान है संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों ने जो थे जब उनके सामने यह विचार आया कि क्या समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को लागू कर दिया जाए तो जो अल्पसंख्यक समूहों के सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध किया और उनका यह कहना था जो भी मुस्लिम सदस्य उसमें ज़्यादातर थे तो उनका यह कहना था कि जो समान नागरिक संहिता है वह लोगों की जो अपने निजी मामले हैं या धर्म से जुड़े मामले हैं उसमें दखलंदाजी की तरह होगी कुछ अल्पसंख्यक सदस्यों ने यह भी कहा कि यह हो सकता है कि जो तथा अलग अलग समुदाय हैं जैसे मुस्लिम या कुछ और समुदाय उनसे संवाद किया जाए और जब तक वो तैयार ना हो तब तक इस तरीके से समान नागरिक संहिता को लागू ना किया जाए सरकार ने भी इस मामले पर यही रणनीति अपनाई हालांकि कुछ अन्य सदस्यों ने जिस जो यह समिति विचार कर रही थी इस बात पर जोर दिया कि नहीं समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए पर चूंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं थे इसलिए जो सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के थे उनकी बातों को ही ज़्यादा वजन दिया गया और सरकार ने यह रणनीति अपनाई कि खुद अल्पसंख्यक समूहों के भीतर से इस तरह की मांग सामने आनी चाहिए नारीवादियों ने स्त्री के अधिकारों को की हिफाजत के लिए समान नागरिक संहिता की मांग की पीछे जब हम पूर्व औपनिवेशिक काल में यानी कि आज़ादी के पूर्व के महिला आंदोलन की बात कर रहे थे तो मैंने यह रेखांकित किया था कि शुरू से ही एक समान नागरिक संहिता पर जोर देना नारीवादी या महिला संगठनों का के एजेंडा का भाग रहा है आ, लेकिन 1980 के दशक में हिंदू दक्षिणपंथी राजनीति ने समान नागरिक संहिता लागू न करने को आ, मुस्लिमों के तुष्टिकरण की नीति की संज्ञा दी अब इस संदर्भ में शाहबानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का, का निर्णय जो है वो और उससे संबंधित घटनाक्रमों घटनाक्रम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुआ यह कि शाहबानों एक मुस्लिम महिला थीं जिनके पति ने उनको तलाक दे दिया था और वो अपने पति से गुजारा भत्ता चाहती थी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पति को अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा रूढ़िवादी मुस्लिमों ने यह कहा कि यह सीधे तौर पर मुस्लिमों के पर्सनल लॉज में दखल है और पहले दिन जब यह निर्णय आया तब राजीव गांधी की सरकार और उनके मंत्रियों ने एक तरीके से इसका स्वागत किया लेकिन बाद में जब रूढ़िवादी मुस्लिम इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए तो राजीव गांधी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पलटने का फैसला किया यानी कि उन्होंने एक नया कानून बनाया जिससे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अप्रभावी हो गया अब इसके बाद से ये जो पूरी घटना थी अगर आप उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे उन्नीस के चुनावों को देखेंगे या उसके बाद के विमर्श को भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और उसके बाद दूसरे कई नेताओं ने भी बार बार इस चीज़ को रेखांकित किया कि असल में यह मुस्लिमों के तुष्टिकरण यानी कि, कि किसी भी तरीके से उनको खुश रखने की राजनीति है तो ये जो पूरी पूरा जो घटनाक्रम है उसमें कई सारी नारेवादी जिसमें कि निवेता मेनन और कई अन्य नारीवादियों को प्रमुख माना जा सकता है उनका इनकी यह समझ बनी कि असल में अगर नारीवादियों के द्वारा समान नागरिक संहिता की जोरदार तरीके से तरफदारी की जाती है तो यह एक तरीके से दक्षिणपंथी राजनीति के एजेंडे में सहयोग करने की तरह या उसे खाद पानी देने की तरह होगा इसलिए अब समान नागरिक संहिता पर ज़्यादा एक सावधानीपूर्ण रवैया अपनाया जाने लगा यानी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए लेकिन वो किसी भी तरीके से आ, किसी समुदाय को दंडित करने के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए हालांकि यह पूरा दृष्टिकोण भी कई तरह के अंतर्विरोधों का शिकार है क्योंकि आ, सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को आ, धीरे धीरे करने की बात नहीं कही जा सकती है भले ही वो सही चीज़ हो कि इससे कोई अल्पसंख्यक समुदाय आहत हो जाएगा और ये चीज़ जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित करने वाले जो उन्होंने कानून बनाया उसमें यह बात सामने आई कि एक तरीके से कई अल्पसंख्यक समूहों ने इसका विरोध किया और इसे अपने धार्मिक मामलों में दखल माना तो कुछ अल्पसंख्यक समूहों ने कुछ महिला संगठनों ने इसका स्वागत भी किया और मुझे यह लगता है कि शायद अगर यह माना जाता कि एक कुप्रथा है और उसके बारे में तब तक उसको दूर करने के लिए इंतज़ार किया जाए जब तक कि खुद उस धार्मिक समूह से आवाज़ नहीं आती है तो यह हालांकि बहुत ही इसमें सावधानी बरतने की भी जरूरत है क्योंकि कई बार यह बहुमतवादी राजनीति का रास्ता लग सकता है लेकिन इसके लिए एक सुधार का रास्ता तैयार करने के लिए अगर राज्य कोशिश करता है तो उस कोशिश में कोई हर्ज नहीं है हालांकि मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समूहों से बातचीत करके ये कदम उठाना एक सही कदम हो सकता है सही रास्ता हो सकता है बजाय इसके कि स्टेटस कोइस्ट या यथास्थितिवादी बन जाया जाए इसीलिए जब ट्रिपल तलाक का को अवैध घोषित करने का जब कानून नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा बनवाया गया संसद के माध्यम से तो कई महिला मुस्लिम महिला संगठनों ने भी इसका स्वागत किया हालांकि मुख्य रूप से अगर ये जो कानून बना वो एक सही कदम होने के बावजूद अगर और ज्यादा समूहों से संवाद के बाद यह बनता तो और बेहतर स्थिति इसे माना जा सकता था लेकिन जो मुख्य बात जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये कि समान नागरिक संहिता का जो पूरा कदम है वह कई तरह के विवादों से घिरा हुआ है और नारीवादियों ने हमेशा या महिला संगठनों ने हमेशा इसकी मा इस मांग का समर्थन किया है पर जब से जो दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने समान नागरिक संहिता को एक खास समुदाय को लक्ष्य बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से महिला संगठन जो हैं उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी सावधानी से देखना शुरू कर दिया है यानी कि वो ये चाहती हैं कि समान नागरिक संहिता आए लेकिन वो यह भी चाहती हैं कि यह समान नागरिक संहिता किसी धार्मिक समुदाय को एक तरीके से उपेक्षित करने या उसकी भावनाओं को कष्ट पहुंचाने के रूप में या उसके धार्मिक परंपराओं को कुचलने के रूप में ना आए बल्कि ये संवाद के माध्यम से आए तो ये एक स्थिति है जिसकी कई तरह की आलोचनाएं हो सकती हैं और कुछ आलोचनाएं मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश भी की अब एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और वह दक्षिणपंथी महिला संगठनों से जुड़ा हुआ है हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही दक्षिणपंथी महिला संगठन है मिसाल के तौर पर कई ऐसे महिला संगठन मिल जाएंगी मुस्लिमों की जो मुस्लिम धर्म की कई ऐसे पहलुओं को मानती हैं जिसे एक पढ़ी लिखी और महिला संगठन से जुड़ी हुई स्त्री असहज पा सकती है मिसाल के तौर पर कई मुस्लिम नारीवादी या मुस्लिम महिला संगठन से जुड़ी महिलाएं जो हिजाब पहनती हैं उसके पक्ष में तर्क दे सकती हैं उसी तरीके से कई हिंदू महिला संगठन हो सकते हैं जो कि अपने धर्म की परंपराओं के हिसाब से जो धर्म में स्त्री की भूमिका बताई गई है उसका महिमागान करते हुए स्त्रियों के कुछ अधिकारों की बात कर सकती हैं वो दहेज प्रथा का विरोध कर सकती हैं मिसाल के तौर पर लेकिन इसके साथ ही साथ वो कई अन्य ऐसे धार्मिक प्रथाओं का समर्थन कर सकती हैं जिन्हें तथाकथित मुख्य धारा की जो नारीवादी होती हैं वो उन्हें प्रश्नांकित करती हैं या उन्हें गलत मानती हैं या उन्हें महिलाओं का दमन करने वाला मानती हैं तो जो दक्षिण पंथी महिला संगठन हैं वो इन विरोधाभासों का प्रतिनिधित्व करते हैं यानी कि ये कुछ ऐसे आयामों का समर्थन करती हैं जो पहले भी महिलाओं के खिलाफ घोषित किए जा चुके हैं लेकिन उन्हें वो धार्मिक आधारों पर सही मानती हैं और इसके साथ ही वह कई अन्य ऐसे पहलुओं में सुधार की बात करती हैं जो उनके हिसाब से महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं। तो ये दो तरह की भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं और इसमें हम बहुत तरह के संगठनों की भूमिका को देख सकते हैं निविद्ता मेनन जैसे कई नारीवादी यह मानती हैं कि जैसे जो मैंने पहले इस बात को बोला था कि समान नागरिक संहिता का जो पूरा मुद्दा है वो एक अलग रुख अख्तियार कर चुका है इसलिए महिला संगठन अब इस पर ज्यादा सावधानी के साथ अपने नजरिए को रखने की कोशिश करती हैं। तो खैर एक पूरा एक अलग तरह का वाद विवाद है और मैंने कोशिश की कि इसके मुख्य तत्वों को आपके सामने रखूं। एक अन्य आयाम जो भारतीय नारीवाद के संदर्भ में है वो दलित नारीवाद से जुड़ा हुआ है भारत में वंचित समूहों के स्तर पर नारीवादी चिंतन और आंदोलन का उभार हुआ है आ, मैंने पहले बताया आपको कि कैसे अम्बेडकरवादी आंदोलन में भी औपनिवेशिक दौर में भी इसकी एक धारा विकसित हो रही थी इस संदर्भ में जो आ, अभी जो दलित नारीवाद है उसका विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है जो दलित नारीवादी संगठन हैं वे मुख्य धारा की नारीवादी संगठनों की उपेक्षा करती हैं की आलोचना करती हैं उनका यह कहना है कि ये जो मुख्य धारा की नारीवादी हैं वो जाति के प्रश्न को उपेक्षा करती हैं जाति के प्रश्न पर ध्यान नहीं देती हैं और ये जिस तरीके से महिलाओं की चिंता को प्रस्तुत करती हैं वो कम से कम दलित महिलाओं की चिंता नहीं है और उनका यह कहना है कि जो दलित महिलाएं हैं वो असल में जो जेंडर संबंधी असमानता है या भेदभाव है और जाति संबंधी भेदभाव है दोनों का सामना कर रही हैं तो ये इस तरीके से मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहती हैं जिससे कि जो महिलाएं हैं उनकी अलग तरह की जो चिंताएं हैं दलित महिलाएँ उसको भी निस्तारण हो या उनको भी सामने लेकर आया जाए महिला आंदोलन के सामने कुछ अन्य प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार काम कर रही हैं यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता लाना और यह जागरूकता पूरे व्यापक समाज में और महिलाओं के भीतर दोनों स्तरों पर लाने के लिए इनका काम चल रहा है कई महिला संगठन लेस्बियन और थर्ड जेंडर, जेंडर के अधिकारों का मसला लगातार उठा रही हैं और कई महिला संगठन जिसमें कि दक्षिणपंथी और अन्य महिला संगठन भी शामिल हैं वे वास्तविक अर्थों में पिता की संपत्ति पर बेटियों के हक को प्रदान करवाने की कोशिश कर रही हैं और एक अन्य प्रमुख मुद्दा यह है कि वे ऐसे सामाजिक व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं जिससे लड़कियों की स्थिति कमजोर होती है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो महिला आंदोलन है उसके सामने कई तरह की चुनौतियां भी हैं और जैसा कि मैंने पहले अपनी बातचीत में रखा इस चीज़ को कि महिलाओं के भीतर भिन्नताओं को समेटना या विभिन्न वर्गों के महिलाओं का साझापन का विकास करना यह एक बहुत बड़ी चुनौती है आ, क्लास के स्तर पर यानी कि कुछ अमीर शहरी महिलाएं हैं कुछ गरीब आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं हैं कुछ दलित महिलाएं हैं सबकी परेशानियां सबकी ज़रूरतें सबके संघर्ष अलग अलग हैं तो उनमें साझापन कैसे आ सकता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और फिर दूसरा आ, मैंने आपको इस चर्चा में बताया कि कैसे वामपंथी दक्षिणपंथी और अस्मितावादी समूह अलग अलग अपने स्वरों में अपनी बातों को रख रही हैं कई बार इनके द्वारा एक दूसरे की आलोचना या निंदा भी की जाती है तो ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि ये समूह जो है वो आपस में साझापन को बढ़ाएं कानूनों में सुधार करने के साथ साथ अः महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना भी एक अत्यंत चुनौती भरा काम है और कई महिला संगठन अलग अलग स्तरों पर इससे इस पे काम कर रही हैं पर इसको एक आ, अलग स्तर पर ले जाना भी आ, महिला संगठनों के सामने एक बड़ी चुनौती है समाज में व्यापक स्तर पर महिला अधिकारों के बारे में प्रामाणिक जागरूकता लाना भी अत्यंत आवश्यक है यानी कि वो जागरूकता के कई स्तर हो सकते हैं जागरूकता का एक स्तर यह हो सकता है कि लड़कियों के भ्रूण में हत्या ना की जाए जागरूकता का दूसरा स्तर यह हो सकता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए उनका जल्द विवाह ना किया जाए और जागरूकता का एक स्तर यह भी हो सकता है कि लड़कियों को और लड़कों को पढ़ने का समान मौका दिया जाए या लड़कियों को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाए या लड़कियों को अपनी जाति से बाहर जाकर भी विवाह करने का अधिकार दिया जाए इत्यादि इत्यादि तो ये कई स्तर हैं जिस पर महिला संगठनों को महिला अधिकारों के बारे में एक प्रामाणिक जागरूकता प्रामाणिक जागरूकता से मतलब यह है कि एक स्तर पर लोग इसके बारे में जागरूक हैं लेकिन वो अपने परिवार में या अपने पुत्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते हैं यानी कि वे मानते हैं कि हाँ ठीक है आ, आ, इंटरकास्ट मैरिजेस अच्छी बात हैं लेकिन जब उनकी पुत्री की बात आती है तो वो जागरूकता धरी की धरी रह जाती है तो वास्तविक अर्थों में ये जागरूकता है यह काम करना भी महिला संगठनों के लिए और यह हम कह सकते हैं सभी संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण काम है लेकिन चूंकि महिला संगठन महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं तो यह उनके लिए सबसे प्रमुख चुनौती भरा काम है कि वे महिलाओं की लड़कियों के अधिकारों के बारे में एक प्रामाणिक जागरूकता और एक विश्वास आम लोगों में सिर्फ स्त्रियों में नहीं सिर्फ लड़कियों में नहीं बल्कि आम लोगों में भी पैदा करें तो इस आज की पूरी चर्चा में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि कैसे हमारे देश में महिला आंदोलन का उभार हुआ औपनिवेशिक दौर में उसकी क्या स्थिति थी औपनिवेशिक दौर के बाद आज़ादी के बाद उसमें किस तरीके के उतार चढ़ाव आए कैसे भिन्न भिन्न संगठन इससे जुड़े हुए हैं कौन कौन से प्रमुख मुद्दे इससे संबंधित हैं निश्चित रूप से इस पूरी चर्चा में कुछ मुद्दे होंगे जो प्रमुखता के साथ सामने आएंगे ऐसी चर्चा में और कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो थोड़े कम प्रमुखता से सामने आएंगे पर मुझे यह उम्मीद है कि मैं आपको इस चर्चा के माध्यम से भारत में महिला आंदोलन की इतिहास उसके विकास उसकी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों उसकी चुनौतियों के बारे में एक अंक में हम मिलेंगे और हम भारतीय राजनीति के संबंध में तो चर्चा करेंगे नमस्कार Thank you.